हाय गाइस, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया है। 12:30 हो रहा है और आज हमारा डे वन ऑफ विजिटिंग कॉलेज कैंप। तो आफ्टर 12th बोर्ड हम अभी फ्री हो चुके हैं और हम जा रहे हैं कैंपस विजिट के लिए। तो अभी ऐसे कुछ फाइनल नहीं है, अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं जा रहे कि बस ऐसे एडमिशन के पहले थोड़ा इंक्वायरी जरूरी होती है और हम यहाँ पे रह रहे हैं तो क्यों नहीं। तो हम कैंपस विजिट के लिए जा रहे हैं और यहाँ बहुत ही गंदा ट्रैफिक जाम है। पिछले 5-10 मिनट से मतलब मूव भी नहीं हो रहा है। वो मेट्रो का कुछ तो काम चल रहा है सामने में, सब यू टर्न लेके जा रहे हैं। हम लोग के पास भी चांस था, हम लोग दूसरे रास्ते से जा सकते थे, लेकिन अब आगे पीछे गाड़ी आ चुकी है तो नहीं जा सकते। तो चलो फिर जैसा होगा। गाइज, हमारे आंखों के सामने ये देखो, हर साइड से गाड़ी आ रही है और एक गाड़ी 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं कर रही है। कितनी ये देखो, इधर से आने वाले लोग इधर से आ गए, ये इधर मुझे यू टर्न लेना है, यहाँ से यू टर्न लेना है लेकिन इसने ब्लॉक करके रखा है ये ट्रक वाले ने। हम लोग फाइनली इस लेन से निकले बट इतना ट्रैफिक है भाई लंबा चल गया है। कहीं तो ब्लॉक करके रखा है ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ये इतनी ट्रैफिक आ गई है। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं कॉलेज कैंपस और अभी हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इसका ऑफिस वगैरह। कैंपस काफी बड़ा है, इतनी कड़क धूप है, हम लोग कुछ भी अम्ब्रेला हैट कुछ लेके नहीं आए। तो फिर देखते कितना देर तक हम लोग रुक पाते हैं आज देखने के लिए। बट हाँ, अच्छा, तो चलो हमारे साथ हम आप लोगों को भी कैंपस टूर कराते हैं। चलो पहले हम ढूंढते हैं किधर है ऑफिस, इंक्वायरी लेनी है थोड़ा। सारे स्टूडेंट्स भरे होल से। तो कैसा लग रहा है शाम्बू भी? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है फ्यूचर थोड़ा देखते हैं अभी। शाम्बू भी को फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो, सो गाइस, इंक्वायरी हो गई है डन। अब एक और इंक्वायरी बची है, एक और बचा है, तो उसके लिए हमें जाना है। तो हमें जाना है नेक्स्ट बिल्डिंग। तो चलो फिर और बताती हूँ मैं क्या क्या स्पेशल हुआ है। सो फाइनली गाइस, हमारी इंक्वायरी हो गई है डन और पीने को लेता है। अभी 2:30 हो गए, भूख भी लग रही है और गर्मी भी बहुत है। सो गाइस, हमने ले ली है कोल्ड कॉफ़ी, ये पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। कैंपस बहुत अच्छा है, मैं सोच रही हूँ यहाँ बेटू के साथ मैं भी एक कोई जॉब इधर ही ढूंढ लेती हूँ क्या कहना है बेटू? हाँ, साथ में आएंगे हम दोनों, साथ में आएंगे और साथ में जाएंगे कैंटीन वैंटीन भी बहुत मस्त है, अच्छा है। क्या धूप अच्छी लग रही है। हाँ, कॉफ़ी बेकार थी, मेरे को नहीं पसंद है मुझे भी कॉफ़ी कुछ खास पसंद नहीं आई, एकदम कॉलेज टाइप का ही कॉफ़ी था। अच्छा स्टैंडर अच्छा नहीं था। अभी कोई हैकाथॉन चल रहा है यहाँ पर। हाँ, अभी कुछ हाँ हैकाथॉन चल रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है हैकाथॉन। हैकाथॉन रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है कोडिंग वगैरह का। अच्छा, ओह गुड, चले क्या देखें? नहीं, बहुत गर्मी अभी चलते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम को भी आएंगे। ये है कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल कैंपस। तो गाइज, अभी चलते हैं घर, इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बोलूं, कार इतनी गर्म हो गई है। बीटू चक्का है, चक्का पीछे से कराए मेरा। चाय और मैं शाम्बवी को कब तक क्लास से पिक करने आई, फिर शाम्बवी ने बोला मुझे पानी पूरी खाना है, तो मैंने उसको पानी पूरी खिलाई और मुझे खाना था चटपटा समोसा, तो मैं चटपटा समोसा खाने कन्नू की चाय में आ गई। हम खाएंगे, मम्मा एक बार खा चुके हैं, मैं नहीं खाई हूँ। तो मैंने इसको बोला बहुत अच्छा है, टेस्ट करो, तो इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ इसको टेस्ट कराने। फाइनली हमारा समोसा आ चुका है।
छोटा साइज है, टू हॉट बेबी समोसा, बेबी समोसा, और ये फ्राइड नहीं होते, ये बेक्ड समोसे होते हैं, ये बेक किया हुआ है. हाँ खाना ही पड़ेगा. तो फाइनली हम घर आ चुके हैं और अब शांभवी से मैं जानना चाहूंगी आज फुल डे का कैसा रहा, शांभवी का एक्सपीरियंस. अच्छा लगा कॉलेज जाके, मतलब देख के टैटली फ्यूचर अच्छा लगा. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कॉलेज में देखा, इंक्वायरी ली बच्चों को क्लासरूम से निकलते हुए और फिर कैंटीन में खाना खाते हुए देखा, तो बहुत अच्छा लगा. और बेटू अच्छा तुमको कैसा लगा कैंपस? अच्छा कैंपस तो बहुत अच्छा, और उसका हैकेथॉन वगैरह भी चल रहा था तो पूरा डेकोरेशन मस्त किया. हाँ अच्छा है, लेकिन अभी देखते हैं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है हमारा, बस और हम, दो तीन देखेंगे. हम कैंपस विजिट ही कर रहे हैं अभी, तो फाइनल जब होगा तो भी मैं बताऊंगी कि क्या फाइनल किया है शांभवी के लिए, अभी तो सरप्राइज है. तो नेक्स्ट जानने के लिए और देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें और yes. आपको पता चलता रहेगा. Hi guys, what's up? Welcome or welcome back to our YouTube channel. आज हम लोग फुल ऐसे व्लॉगर स्टाइल में व्लॉग कर रहे हैं, बैक कैमरा से वीडियो ले रहे हैं. सो आज है, क्या है आज का डे? वाओ मैं आज का डे भूल चुकी हूँ, बट एनी वेज आज वी आर रेडी लाइक दिस. आई एम वेयरिंग अ कुर्ती, अ लेडी शॉर्ट कुर्ती विद जीन्स एंड स्टफ. आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर, हमें काफ़ी सारा काम था जो हम लोग काफ़ी टाइम से पेंडिंग छोड़ के बैठे थे, तो वी हैव टू डू दैट टूडे. एंड मतलब इस बार तो ऐसा हो रहा है कि हम लोग को सारी चीज़ें लिटरल इसी वीक में करनी है, मतलब जिस दिन हमें कहीं बाहर जाना है उस दिन हमारा कहीं का इनवाइट भी है, उसी दिन हर चीज़ है, तो इसीलिए बहुत हेक्टिक हो रहा है ये वीक. बट या वी विल ट्राई टू स्टे कॉन्स्टेंट दिस वीक टू. तो चलो अभी आई एम वेटिंग फॉर मॉम, शी इज गेटिंग रेडी, और उसके बाद हम लोग चलेंगे. कहाँ जा रहे हैं वो देखते हैं, अभी बताएंगे या नहीं बताएंगे बाद में तो आपको पता चल ही जाएगा, बट देन लेट्स सी एंड यस यू गाइस आफ्टर सम टाइम. तो आज ऐसा फुल सीन हुआ, सुबह में मैं उठी, ठीक है, मॉम ने मेरे मस्त दूध बनाया था, दूध एंड ब्रेड बटर, मैं वो लेके डाइनिंग टेबल पे बैठी एंड मेरे दिमाग में क्या चढ़ा पता नहीं, मेरा हाथ ऐसे हुआ और पूरा एक कप भर के बूस्ट हमारे डाइनिंग टेबल पे गिर गया. एंड एट दिस पॉइंट इस डाइनिंग टेबल पे कोई कांच नहीं है, कोई भी उसे प्रोटेक्टर टाइप की कोई चीज़ नहीं है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ जिससे स्टेन लग सकता है अगर वो उस डाइनिंग टेबल पे गिरा, इट्स गॉन. तो मेरे ऐसे हार्ट किडनी सब यहाँ तक पहुँच चुके थे. फिर हम लोग जल्दी जल्दी सब्जी एंड उसके ऊपर ये ऐसा एक सिमिलर क्लॉथ भी लगा हुआ था तो वो हटाया जल्दी जल्दी, मतलब ऐसी स्पीड में हुआ है ना सब चीज़, तो मुझे बड़ा बुरा लगा. मम्मी ने मेरे को डांटा भी नहीं, लेकिन लव यू मॉम, बट हाँ थोड़ा आज हो गया था मैं सब यहाँ पे, तो वो सब ठीक हो गया. अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मॉम टू गेट रेडी, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, अभी कोई एग्जाम, अभी मेरा बोर्ड खत्म हुआ है, बाकी एग्जाम्स है उसका मैं चालू करूँगी, मुझे लगता है इस वीक एंड से आई स्टार्ट. सो हाँ मेरे बस बेसिकली एक ब्रेक चाहिए था, मेरा बहुत हो गया था, मैं लिटरल लाइफ में पहली बार बर्नआउट हो चुकी थी, मुझसे नहीं हो रहा था बोर, तो इसलिए मैंने ऐसे मस्त चिल वीक लिया है. एंड हाँ ये कुर्ती भी मेरी मम्मी की है, इफ़ यू डिड नॉट नो दैट ऑलरेडी, मेरे आधे कपड़े मेरी मम्मी के होते हैं. मुझे जनरली स्पीकिंग मुझे मेरे खुद के कपड़े पहनने से ज़्यादा अच्छा मेरी मम्मी के कपड़े पहनने में लगता है, तो अगर आपके साथ भी होता है तो नीचे बताना कमेंट सेक्शन में. तो हाँ अभी ज़्यादा पकाती नहीं हूँ मैं, अभी मेरे को बहुत ऐसे बात करने का मूड हो रहा है, बट लेट्स नॉट डू दैट एंड विल वेट फॉर मॉम एंड फिर आपको मिलता है जब मम्मी आ जाती है. ये देखो मम्मा आ चुकी है. मम्मा अपना आउटफिट दिखाना आज का, टुडेज आउटफिट डिटेल्स, दो डिटेल्स आउटफिट की. ये लखनवी कुर्ता विथ जीन्स. यस लखनवी कुर्ता कहाँ से और जीन्स कहाँ से? लखनवी कुर्ता लखनऊ से ही है और जीन्स H&M की है. लेट्स गो, हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, मैं अभी भी शूज पहन रही हूँ. गाइस ये जो आप वॉलनट्स देख रहे हो इतने सारे, गेस व्हाट, ये कश्मीर से हैं, स्ट्रेट फ्रॉम कश्मीर. मेरे पापा के फ्रेंड गए थे तो पापा ने उनसे मंगवाया था ये, और एक कोई तो स्वीट भी था, स्वीट का नाम क्या लेकिन एक स्वीट था और ये था, तो मतलब पापा लिटरली हमें हर जगह का खाना खिला चुके हैं अभी तक, जितने भी स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब का, तो मेरे पापा बहुत उनको खाना वगैरह पसंद है तो उससे रिलेटेड वो लेके आ ही जाते हैं. तो वो कश्मीर के वॉलनट्स हैं, मैंने अभी तक एक भी नहीं खाया है, बट देखते हैं इसको तोड़ना पड़ेगा तो वो करेंगे. जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी फिलहाल लेट हो रहा है.
एक तो आज इसके बाद हम लोग को एक पूजा में भी जाना है, पूजा में 10 बजे जाना था, लेकिन ये ऐसा काम था इसको हम लोग और पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। फिर पूजा के जस्ट बाद हमें और एक जगह जाना है जिसको भी हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो आज का बेसिकली शेड्यूल है बहुत टाइट शेड्यूल है, बहुत फटाफट हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, एकदम सुपर जेट स्पीड में करना पड़ेगा आज। चलो जल्दी चलते हैं। I can't deny that it's not the life I want, oh yeah. They got me running, running away. I can't run no more. Living in a cliche, but I can hear your voice. बहुत तेज धूप, इतनी गर्मी हो गई है, कड़क धूप, मेरी तो आंखें नहीं खुलती, मेरी इतनी मैक्सिमम खुल रही है अभी। फर्स्ट वर्क इज डन और अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए घर आए थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, और अभी 12 बज चुके हैं, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, एक पूजा है उसमें जाना है, तो वो हमारी बिल्डिंग में है तो उतना टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम घर आएंगे, लंच करेंगे, नहीं लंच आएगा पूजा में ही, उसके बाद हमें और बाहर जाना है, तो हाथों रहे ठीक है, बट लेट्स गो। फर्स्ट टास्क सक्सेसफुली हो चुका है, तो क्या है वो आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा, आई गेस कुछ महीनों में पता चल जाएगा, बट या इट्स गोना बी रियली नाइस। सो relate to their desire, set in stone, can't reset. I wish I manifest the scenes and all the thoughts in my head. I'd be preparing for a show and you'd be right next to me. Hi guys, तो मैं भी जस्ट घर वापस आई हूँ and it is currently 2 o'clock. हम लोगों दूसरी जगह नहीं जा पाया बिकॉज बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता एंड मम्मा थोड़ा देर नीचे भी रुक रही है वो पूजा में, मैं लंच करके आ गई और आई एम करेंटली ड्रिंकिंग माजा। मुझे ऑनेस्टली अभी पता नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ, आई गेस आई जस्ट एडिट दैट वीडियो फॉर सम टाइम, लेकिन उसमें एक दो वीडियोस है जो मम्मा के पास है तो मुझे नहीं, हाँ उनसे लेना पड़ेगा, तो ये भी काम अभी तो नहीं होने वाला। नहीं थोड़ी देर टीवी देखूंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी एंड उसके बाद हम लोग ने उसको रीशेड्यूल करवाया है फॉर 5:30 to 6:30, बट लेट अस सी इफ वो लोग रीशेड्यूल करते हैं कि नहीं, बिकॉज उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया था फॉर 2 to 3, बट अभी देखते हैं वो कैसे रीशेड्यूल होगा या नहीं होगा, एंड जैसा भी होगा विल कीप यू गाइस अपडेटेड।